أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

इंसान की जिम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है क़र करीब में अल्लाह ताला ने औलाद को बतौर नेमत ज़िक्र किया है अलैहि सलाम की कौम जब उस कौम में बिगाड़ आया तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहि सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा चूँकि कौम शिरक़ में और अखलाक़ी बिगाड़ में मुबतला थी इसलिए सलाम ने उन्हें तौबा और इस्तिगफार की दावत दी उस दावत में इस्तिगफार की तरगीब थी और इसके नतीजे में अल्लाह की तरफ़ से मिलने वाले इनाम और ख़ैर की बशारत और वादा था नलाम ने जब अल्लाह ताली से अपनी दावत के बारे में कलाम किया तो उन्हें कहा कि फ़कुल तुस्त फिर वरबुम इन ना ना गफ्फ़ारा एल्ला मैंने अपनी कौम से कहा जब कौम को दावत दी तो कहा कहाकुलस्तग फिर औरबाकुम मैंने अपनी कौम से कहा अपने रब से इसतफ़ार करो मगफ़रत की दुआ करो माजी में जितने गुनाह तुमसे हुए हैं छोटे बड़े सब उन गुनाहों से इस्तफ़ार करो अल्लाह की मगफरत चाहो टन हो काना गफ्फ़ार यकीन बड़ा मगफरत करने वाला है गफ़ार बार बार मगफरत करने वाला है। एक गुनाह हो गया इस्तफ़ार किया फिर गुना हुआ इस्तफार किया जब जब बंदा इस्तफार करता है अल्लाह से मगफ़रत की दुआ करता है अल्लाह मगफ़िरत करता है अल्ला इनका नगफ़्फ़्फ़्फ़्ारा युर् समा आलई को मदरा अल्लाह तआला आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा वक्तन फवक्ता मुनासिब वक्त पर मुनासिब मकदार में मदरा के माना ने ज़िक्र किए जब बारिश चाहिए होगी और जितनी चाहिए उतनी होगी बेवक़ बारिश नहीं होगी और इतनी नहीं होगी कि तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए तुम इस्तफ़ार करोगे तो अल्लाह ताला मौसम को तुम्हारे हक में बदल देगा और तुम्हारी गज़ा का सबसे अहम ज़रिया पानी जो प्यास तो बुझाता है लेकिन अनाज भी उगाने का ज़रिया है जिसमें तुम्हारी बका है तुम्हारी हयात की यानी बका है उसमें तुम्हारे वजूद की बका है उसमें तो पानी तुम्हारे लिए आसमान से बरसाएगा यानी तुम्हारे लिए रज़ का बुनियादी ज़रिया की जिसको आप कहते हैं चाबी रिजी पानी है तुम्हारे लिए बरसाएगा व्यमद कुम भी अमवाल व बनीम और इतना नहीं बल्कि तुम्हारी क़वत को बढ़ाएगा तुम्हें अल्लाह ताली मज़ीद और मजबूत करेगा भी अमवाल वनम माल के ज़रिए से चौपाए तुमको देगा दुनिया की जैबज़ीनत दौलत तुमको देगा वह युमदकुम भी अमवाल बनी और तुम्हें बेटे भी देगा तुम्हें औलाद देगा व जायलकुम जन्नातिन व एजायकुम अनहारा और तुम्हें बाग़ात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा अल्लाह आलमीन ने कौम को अल्लाह की तरफ वापस पलट आने पर जिन नेमतों का वादा किया उन नेमतों में एक नेमत औलाद भी है मालूम ही होता है कि खैर है जो अल्लाह की तरफ से इंसान को दी जाती है दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं चाहे मालूमता हो या आलमी माहौल का इंसान के लिए मुनासिब होना हो उन्हीं में एक चीज़ यह है कि इंसान को उसके घर में औलाद दी जाए जिसके ज़रिए से उसके लिए जज्बात की उसकी तस्कीन भी हो महब्बत के ज़रिए से बच्चों के साथ सुलु घर हँसता खेलता रहता है घर में जब बच्चे होते हैं जब नहीं होते हैं तो घर के अंदर एक किस्म का सन्नाटा और उदासी छाई होती है तो इमोशनल लेवल पर भी तुमको औलाद खैर बनेगी तुम्हारे लिए और बुढ़ापे में तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी का ज़रिया बनेगी बुढ़ापे में तुम्हारे लिए क़ुत बनेगी कि जब तुम दुनिया में काम काज के अपने मसाइल के हल करने के अतबार से कमज़ोर हो जाओगे तो यही औलाद तुम्हारे लिए क़ुत बनेगी सहारा बनेगी वहीद कुम भी व बन माल और औलाद के ज़रिए से अल्लाह ताली तुमको और मज़बूती देगा मालूम ही होता है कि अल्लाह रबुलमी की नेमतों में से एक नेमत औलाद है बल्कि अल्लाह ने इसको बतौर जजा जिक्र किया है कि दुनिया में अल्लाह बेहतर बदला देता है तो दुनिया में बुनियादी तौर पर दो पावर होते हैं मनी पावर मैन पावर अल्लाह ने बताया वह युमद कुम्ब अमवाल वन तुमको अल्लाह औलाद माल देगा और औलाद देगा पैसा भी देगा और आदमी भी देगा कबायली ज़िंदगी में पुराने ज़माने में औलाद की बहुत अहमियत थी ख़ास करके बेटों की जंगी माहौल वहाँ हुआ करता था और बेटे अगर ज़्यादा हों तो कबीला मज़बूत बनता था तो कबीले की हिफाज़त समाजी तौर पर किसी समाज में आप देखिए अगर मर्द ही ना हो और सिर्फ़ औरतें हों कैसा होगा थोड़े से मर्द हों और ज़्यादा औरतें हों हिफाजत कैसे होगी उनकी तो अल्लाह ताला क़ौम को बेटों के ज़रिए से मज़बूती देता है उसकी सिक्योरिटी उसको मिलती है तो अल्लाह रबालमीन ने ख़ुला कलाम ये कि औलाद को अपनी नेमत के तौर पर अल्लाह ने ज़िक्र किया है लेकिन ये सिर्फ नेमत नहीं है बल्कि नेमत ज़िम्मेदारी भी है अल्लाह तरमाता है या युह आमनु कोफु व अहली कुम नारा ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दें ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से एक ऐसी आग से वकूद वह न जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को मुसलमानों को ख़ास करके घर वालों को घर के सरपरस्तों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो अपने और अपने घर वालों को बचाने की कोशिश करें किस चीज़ से बचाएँ भूख से बचाएँ प्यास से बचाएँ सर्दी गर्मी बारिश से बचाएँ शेर भेड़िए चीते से चोर चक्के डाकू से बचाएँ उसको दुश्मनों से बचाएं बिलाशुबा ये तो है लेकिन ये बड़े मसाइल नहीं हैं इतने बड़े मसाइल नहीं हैं और ये दुनिया मसाइल हैं असल मसला आखिरत का है कि इन्हें जहन्नम की आग से बचाओ ऐसी आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं गुनाहगारों को उसमें डाला जाएगा कुफार और मशर्किन को डाला जाएगा और आग भड़केगी गोया कि उसका ईंधन बन जाएंगे वो और उसमें पत्थर होंगे उसमें गंदक होगा उसमें बुतों को डाला जाएगा ये दिखाने के लिए कि देखो जिनको तुम सब कुछ समझते थे जिनको पुकारते थे जिनको सिफारशी मानते थे जिनके आगे अपने आप को झुकाकर उनके साथ उम्मीदें कायम करते थे आज ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आ रहे हैं आज इनको खुद जहन्नम में डाला जा रहा है ये तुम्हें नहीं बचा सकते ये खुद अपने आप को नहीं बचा सकते उन बुतों की आजजी दिखाई जाएगी पत्थर के बने हुए ये बुत जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे अजाब के तौर पर नहीं जिल्लत के तौर पर और लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो ये तुम्हारे मददगार थे आज ही तुम्हारे कुछ काम नहीं आ रहे उस आग से अपने घर वालों को बचाओ बिलाशुबहर आदमी घर का जिम्मेदार होता है घर वालों को बचाने की फिक्र उसमें कुछ न कुछ दर्जे में होती है यही वजह है कि इंसान रोज़ाना मेहनत करके खाने पीने की चीज़ें लाता है घर में ताकि वो लोग भूखे ना रहें भूख से बचाओ बीमार हो गया डॉक्टर के पास ले जाता है हलाकत से बचाओ एक अच्छा सा घर खरीदता है किराए का घर लेता है भाई सर्दी गर्मी की मुसीबत से बचाओ उनके लिए कपड़े स्वेटर और न जाने कितनी सारी चीज़ें ए सी लगाता है सर्दी गर्मी में इनको तकलीफ से बचाओ बच्चों को पढ़ाता है पंद्रह बीस साल तक उनको पढ़ाता है इंजीनियर बनाता है डॉक्टर बनाता है बिजनेसमैन बनाता है इनको मुफलसी से बचाओ इन सारी चीजों से आदमी बचाने की फिक्र होती है उसमें लेकिन इतनी सारी फिक्रों के बीच में एक अहम तरीन फिक्र जो मरकजी फिक्र होनी चाहिए वो फिक्र ओझल हो जाती है निगाहों से वो चीज ओझल हो जाती है ध्यान हट जाता है क्योंकि इन चीजों के नुकसान फौरी तौर पर सामने आते हैं खाना नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा इसी तरह से दवा नहीं खाएगा हलाक हो जाएगा इनके नतज फौरन सामने आते हैं लिहाजा इंसान इनकी फिक्र ज्यादा करता है लेकिन जहन्नम सामने नहीं है आखिरत का नुकसान सामने नहीं है लिहाजा इंसान की कोशिशें उस रुख पर कमजोर हो जाती हैं आदमी वैसी मेहनत नहीं करता है जैसी करनी चाहिए खसूस इस एतबार से भी कि इंसान को लगता है कि अभी बहुत टाइम है इंसान को क्या लगता है अभी बच्चा बच्चा है बड़ा होगा सीखेगा सब खुद अपने बारे में उसका यह मामला होता है रिटायर हो जाऊंगा दीन पे चलूंगा थोड़ा हालात ठीक होने दो अच्छे से नमाज कायम करूँगा तिलावत करूंगा जिक्र करूंगा रोज़ा रखूंगा हाँ तहजद पढ़ूंगा हज उमरे को जाऊंगा, थोड़ा हालात ठीक होने दो अभी थोड़ा बहुत बिजी हूँ खुद अपने बारे में उसका यह मामला होता है कि वो आखरत की कोशिश को ये समझता है आखरत बहुत आने बाद में आने वाली ना अभी फौरन थोड़ी आ रही है अभी आ रही क्या आखिरत आखिरत आगे है, दूर वहाँ पर आखिरत है क़यामत अभी आने वाली है नहीं अभी टाइम है तो उसको क़यामत एक डिस्टेंट फ्यूचर दिखाई देती है बहुत दूर है वो और अपने पास बहुत टाइम है खुद उसकी अपनी सोच की वजह से भी होता है और शैतान भी उसके कान में उसके दिल में डालता है याद हम मयुमन शैतान वादे करता है उम्मीदें दिलाता है वादे करता है तेरे पास जिंदगी बहुत है उम्मीद दिलाता है अल्लाह गफूर रहीम है कितनी भी तेरे अंदर खुराफात हों अल्लाह माफ करने वाला है तो इंसान अपने बारे में बेफिक्र होता है औलाद के बारे में मेम्बा भी अवला होगा उसका एक आम ही मामला होता है अभी टाइम है लेकिन देखते देखते इसकी जिंदगी खत्म होने के किनारे आ जाती है देखते देखते छोटे बच्चे जो गोद में खेलते थे वो बड़े हो जाते हैं और फिर मुसीबतें एक के बाद एक शुरू हो जाती हैं बचपन में बच्चे छोटी मोटी शरारत करते थे लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बड़ी शरारत करने लगते हैं बचपन में वो हेडेक देते थे और बड़े होने के बाद वो हार्ट अटैक देते हैं लड़के भी लड़कियां भी खसूस माहौल का बिगाड़ उनके बिगाड़ को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है माहौल ऐसा है कि इंसान अगर जैसे आदमी को ढलान से कोई चीज़ लुढ़का दी जाए तो अपने आप उसको बार बार धकेलना नहीं पड़ता एक बार धक्का काफी हो जाता वो लुढ़कते लुढ़कते उसकी रफ्तार भी बढ़ती चली जाती है जब तक कि वो किसी चीज़ से टकराती नहीं रुकती नहीं तो इसी तरह से ये जो बिगाड़ है बच्चों का शुरुआत में स्लो चलता है बढ़ते 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 इसकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई हादिसात भी होते हैं तो ये बेफिक्री क्यों होती है इंसान ही सोचता है अभी टाइम है और दुनिया की मसरूफियतें उसे इस मेहनत से इस जिम्मेदारी के अदा करने से रोकी रख रक, रोके रखती हैं सुबह जाता हूँ शाम आप किसी को आप कहें भाई बच्चों की तरबियत के लिए देखो कुछ करो क्या करूँ समझ में नहीं आता मैं सुबह निकलता हूँ ऑफिस जाता हूँ ऑफिस से फिर ये 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 चीज़ है फिर आने के बाद ये मसला घर की जिम्मेदारी सब्जी तरकारी यही इसी में पढ़ो कब टाइम कहाँ है मेरे पास अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों को कहाँ से टाइम तू मैं औरतें टाइम मेरे पास अपनी जिंदगी के लिए टाइम नहीं है सुबह उठती हूँ टिफ़िन बनाती हूँ शोहर के लिए बच्चों के लिए फिर ये फिर कपड़े धोना ये करना वो करना घर की सफाई से लेके सारी चीज़ें कढ़ाई बुनाई ये सब चीज़ें मुसलसल मैं इसमें लगी रहती हूँ फिर ये बीमारियाँ मेरे पीछे नहीं मिल पाता वक्त अपने अपने बहाने हमारे पास हैं अपने अपने मसाइल और आदार हमारे पास हैं लेकिन क्या इन बहानों से हमारा मसला हल होगा यानी अगर इंसान एक्सक्यूज पेश करे ठीक है वो छोड़ जाएगा कोई ब्लेम नहीं करेगा उसको लेकिन भाई ब्लेम अगर नहीं होता है तो क्या मसला हल हो जाता है नहीं यानी मिसाल के तौर तो पर आपका बच्चा गिर जाए तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने नहीं धकेला उसको ये कहेंगे आप अपने आप को ठीक है आप गिल्टी नहीं हो लेकिन मसला तो बाकी है ना उसको सर में चोट लगी उसको इलाज तो जरूरी है तो अगर आप एक्यूज नहीं हैं अगर आप पे ब्लेम नहीं है और आप अपने आप को बड़ी उजिमा साबित कर लें तभी भी बिगाड़ तो बाकी है मसला तो अपनी जगह बाकी है आपको हल निकालना पड़ेगा लिहाजा ये बुनियादी बात याद रखना जरूरी है कि ये एक जिम्मेदारी है जैसे बाकी जिम्मेदारियां हैं और हम रोजाना उसके लिए कोशिश करते हैं घर के खर्चों के लिए रोजाना जॉब पे नहीं जाते बच्चों के एजुकेशन के लिए रोजाना फिक्र नहीं करते स्कूल क्यों नहीं गया आज आप देखिए बाप अगर ऑफिस से जल्दी आ जाए और बच्चा घर में दिखाई दे दोपहर के वक्त में क्यों आज स्कूल नहीं गया फौरन बल्कि मेहमान आके भी पूछता है बेटा स्कूल नहीं गया आज पहले क्या पूछता है आदमी मेहमान क्या पूछता है कौन सी स्कूल में जाते हो लेकिन दीन के मामले में दीन के मामले में हमारी फिक्र नहीं होती है इसलिए कि हम दीन को सानवी चीज समझते हैं सेकेंडरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझते हैं उसको ऐसा अमल जो ठीक है कि ये तो बहुत अच्छी बात है एक जीनत है वो माशाल्लाह दीन हाँ दीन भी पड़ता है ये अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है स्कूल नहीं छोड़ना तो हमारे नजदीक प्रायोरिटी क्या है दुनिया में पढ़ लिख के कुछ बनना तो प्रोफेशन के बारे में हम फिक्रमंद हैं लेकिन कैरेक्टर के बारे में हम उतने फिक्रमंद नहीं है आप गौर करें कैरेक्टर और प्रोफेशन इसमें कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरना अगर प्रोफेशन के अंदर कैरेक्टर ना हो तो डॉक्टर आपको लाश नहीं देगा आपके रिश्तेदार की अगर उसके पैसे नहीं भरे हुए हैं तो और धोखा देके किडनियां निकाल लेगा कैरेक्टर उसके पास नहीं है झूठे टेस्ट आपसे कराएगा कैरेक्टर उसके पास नहीं है प्रोफेशनल है वो लेकिन कैरेक्टरलेस है वो उसके उसके पास अखलाक नहीं है लेकिन वो फनकार है अपने मैदान का उताली में याफ्ता है सब कुछ है कैरेक्टर नहीं है और इस दौर में हम इसी चीज़ को देखते जा रहे हैं जैसे जैसे दौर आगे जा रहा है हम देख रहे हैं कि लोगों के पास कैरेक्टर की कमी होती चली जा रही है टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है दुनियावी एतबार से तरक्याँ होती चली जा रही हैं दुनिया तेज हो रही है एकदम लेकिन कैरेक्टर लोगों का ख़त्म होता जा रहा है आप देखिए यानि एक्सीडेंट होता है और लोग वीडियो निकालते हैं आए दिन हमको मिलता है अभी हाल ही में एक कोई बच्ची थी बुरी हालत में पड़ी हुई थी मरने के करीब और लोग वीडियो निकाल रहे थे उसका कोई ला के फेंक दिया उसको मार तोड़ के जो भी करके और लोग बजाएं इसके कि पुलिस को बुलाते या एम्बुलेंस बुलाते या उसको खुद उठा के ले जाते लोग वीडियो निकाल रहे थे कैरेक्टर समाज का खत्म होता जा रहा है हम उस वक्त जागते हैं जब उसकी इज्जत हम तक आती है जब तक के हमको नुकसान नहीं होता हम सोचते नहीं हैं हम अतराफ में देखते रहते हैं क्योंकि वह हमारे साथ नहीं हुआ इसलिए हम उस स्टोरी का पार्ट नहीं हैं इसलिए हमको वो झटका भी नहीं लगता है वही जब हमारे साथ होता है तब हम जागते हैं कि कितना बिगाड़ हो गया है समाज कितना खराब होता चला जा रहा है समाज अफ़राद का मजमु है समाज किसको कहते हैं कोई बिल्डिंग है समाज समाज लोग हैं और लोगों में बिगाड़ कब आता है वो शुरू होता है बचपन से जब उसकी इलाह ना हो उसको परवान ना चढ़ाया जाए उसकी तरबियत ना की जाए समाज बिगड़ जाता है बड़े होने के बाद ये आज़ाद हो जाते हैं और उसूल और जबते के पाबंद नहीं होते हैं फिर वो अपने मफाद को देखते हैं अपनी माद को नहीं देखते आखरत को नहीं देखते अब दुनिया को देखते हैं और आज दुनिया इसी उसूल पर चल रही है कि मेरे चैनल पर मुझको लाइक्स मिलें इसके लिए मैं फेसबुक पे लाइव मैं डाल रहा हूं कि देखो फुला आदमी फुला को मार रहा है कहीं और ये स्ट्रीम नहीं मिलेगा मेरे पास है और लोग देखें और मेरे स्ट्रीम पे आए मेरे फेसबुक पेज पे आए और उसको लाइक करें उसको सब्सक्राइब करें या जो भी करें तो मेरे लिए मेरी शोहरत के लिए समाज में मुझको रिकग्निशन मिले उसके लिए मैं गिरी से गिरी हरकत भी कर सकता हूं कितना भयानक हो रहा है हमारा समाज लेकिन ये नतज हैं ये रिजल्ट है ये आउटकम है उस लापरवाही का और उस बिगाड़ का जो हमने पनपने दिए हमने इसको होने दिया तब वो हुआ इसकी रोकथाम के लिए हमने कुछ नहीं किया और हर आदमी अपने बात है वो समाज वो लोग हैं समाज मैं नहीं ऐसा हर एक आदमी सोच रहा है कि समाज मैं थोड़ी हूं वो समाज खराब समाज हर आदमी दूसरों को ब्लेम कर रहा है उसके अपने घर का समाज कैसा है वो भी तो समाज की एक यूनिट है फैमिली उसमें उसकी जिम्मेदारी वो कितनी निभा रहा है उसके मातह जो लोग हैं उसकी हुकूमत जो है आदमी हुकूमत को ब्लेम कर रहा है ठीक है हुकूमत की गलतियां भी होती हैं अच्छा ये होती, तो होती है तो बुराइयां भी होती हैं हुकूमत की ये गलती ये गलती ये गलती ये नहीं किए वो नहीं किए वो नहीं किए अपनी हुकूमत में ये क्या कर रहा है अपनी टेरिटरी में अपनी हुकूमत में अपनी सल्तनत में वो क्या कर रहा है बीवी बच्चे भाई बहन माँ बाप जो भी उसके अंडर में हैं उसकी जिम्मेदारी है उन लोगों के एतबार से अगर वो खाने पीने की जिम्मेदारी निभा रहा है तो क्या ये काफी है तरबियत की जिम्मेदारी क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एक इंसान अगर ये समझता है कि खाना पीना एजुकेशन और दुनिया का कपड़े इलाज और ये सब चीज़ें ज़िम्मेदारी हैं दीनी तालीम और तरबियत ये ठीक है करना चाहिए अच्छी बात है अगर ऐसा उसकी सोच है तो फिर बाद में जाके ये पछताएगा जब वो लोग पढ़े लिखे बनेंगे कमाने वाले बनेंगे और इसके हाथ में नहीं आएंगे इसका अदब नहीं करेंगे इसको प्रायोरिटी नहीं समझेंगे जिंदगी की इसको एक मुसीबत लायबिलिटी समझेंगे अपने लिए जबरदस्ती आ गए गले पड़ गए बीमार मां बाप यह हाल उसका होगा ये अगर इसको उनकी तरबियत का इंतजाम नहीं करता है सबसे ज्यादा नुकसान इसको होने वाला है उनको तो होगा ही उनकी आखिरत उनके साथ लेकिन ये ये दुनिया में पछताएगा आख़रत में नहीं आख़रत में तो पछताना ही पछताना है दुनिया में वो नतज सामने आते हैं तो लिहाजा ज़रूरी है कि एक इंसान इस बारे में हसास हो अल्लाह ताला फरमाता या यादीन आ मनु कोफु व अहली कुमनारा ऐमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को एक ऐसी आग से वकूद जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है यानी अल्लाह रबालमीन ने जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया अपने आप को और अपने घर वालों को लेकिन जहन्नम की आग हमारे सामने तो नहीं है कि भाई कहीं आग लगी हुई है घर के अंदर जहन्नम की ऐसा है कि जल्दी से घर से बाहर निकालो बचाओ उनको जलने मत दो ऐसा नहीं है तो क्या किया जाए आग से बचाया जाए उनको ऐसा बनाओ कि वो जहन्नम में न जाए मुराद क्या है जहन्नम की आग से बचाओ का मतलब उनको जहन्नम में जाने से बचाओ जहन्नम में कैसे जाएंगे वो बेदीनी की वजह से जहन्नम में क्यों जाएंगे वो बेदीनी की वजह से बेदीनी जिंदगी में ना आए उसके लिए उनकी तालीम तरबियत दुनिया में करना जरूरी है जैसे तुम ये मानते हो कि मेरे बच्चे भूखे ना मरें तो उसके लिए क्या करते हो पढ़ा लिखा के उनको जिंदगी में धारे पर लगा देते हो जॉब पे लगाते हो दुकान पे बिठाते हो या जो भी करवाते हो तो तुम ये सोचते हो मेरे बच्चे भूखे ना मरे लिहाजा तैयारी यहां से करते हो उनको अच्छी स्कूल में डालते उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते उनकी सब कुछ करते एक मुस्तकबल में वो भूखे ना मरे दुनिया की जहन्नम में न जाएं। आखिरत की जहन्नम से बचाने के लिए भी उनको तरबियत करना जरूरी है कि आखिरत में जहन्नम में न जाएं इसके लिए दुनिया में उनको तालीम देना जरूरी है कौन सी तालीम दुनिया की नहीं दीन की तालीम क्योंकि इंसान का दिल और उसके आमाल जब बिगड़ते हैं वो जहन्नम में जाता है तो उसके दिल की असलाह के लिए उसके अमाल की इसलाह के लिए उसके ईमान अमल की तरक्की और इसलाह के लिए ज़रूरी है कि तुम उसको दीन सिखाओ इसी लह अली रदी अल्ला फ़रमाते हैं कोफु सकुम व अहली कुमन नारा इसका मतलब क्या कहते हैंफुसक व अहली कुमर आलमानफु सकुम सिखाओ अपने आप को अपने आप को सिखाओ आलिम अनफु अहली कुम और अपने घर वालों को क्या सिखाओ खैर सिखाओ खैर सिखाओ उनको तो अगर हमने ये काम कर लिया तो लाजमी तौर पर हम अपनी फैमिली को अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचा सकते हैं असल मसला जहन्नम है दुनिया नहीं असल मसला वो है लेकिन बात यह है कि चूंकि वह सामने नहीं है इसलिए उसकी इंटेंसिटी उतनी हमारी जिंदगियों में नहीं है जब सैलाब आता है उस वक्त इंसान को बाकी कुछ नहीं सोचता अपनी जान बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है उसकी उसके कपड़े उसके बर्तन उसका किचन उसका वार्डरोब या जो भी चीजें उसकी हैं उसके सर्टिफिकेट्स सैलाब आ रहा है बिल्कुल इस तरह से बह के ले जा रहा है गाड़ियों को घरों को उठा के ले जा रहा है उस वक्त में आदमी की क्या है? हालत होती है वो सोचता है मेरे दो ड्रेस ले लेता हूं मैं हा? मेरा मोबाइल फोन मेरी फुला चीज याद नहीं रहता आदमी सीधा दौड़ता है बचाने के लिए अपने आप को पत्थर अगर बरसने लगे क्या करेगा आदमी रास्ते पर जलजला है तो आदमी सोचता है किसी चीज के बारे में तो जब छोटे मस, बड़े मसाइल सामने आ जाते हैं छोटी चीजों की अहमियत खत्म हो जाती है लेकिन बड़े मिसाइल जब सामने ना हो तो फिर मच्छर भी काटे तो आदमी परेशान हो जाता है मच्छर भी काटे तो आदमी परेशान हो जाता है जब गोलियां चल रही हों धमाके हो रहे हो बम के जंग के हालात चल रहे हो और कहीं से भी आके गोली लग सकती हो और आदमी कहीं छुप के पड़ा हुआ हो घास के अंदर झाड़ियों में और उन झाड़ियों में उसको कीड़े मकोड़े काट रहे हो चूटियां काट रही हो उसकी अहमियत उसको नहीं रहती है बम धमाके गोलियां और ये वो सब चीजें फौज उठा के ले जाएगी पकड़ के उसको कैद कर लेगी उसका खौफ और उसकी 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 इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है ये मामूली लगता है तो बड़े मसायल जब जिंदगी में सामने नहीं होते हैं तो छोटे छोटे मसायल ही बड़े दिखाई देने लगते हैं आखरत सबसे बड़ा मसला है और कब शुरू होगा आखरत का मसला यहां से मरते ही शुरू हो जाएगा जैसी आदमी मर गया उसकी आखरत शुरू फरिश्ते आएंगे यहां दफन करके लोग ले नहला दुला के ले जाएंगे दफन कर देंगे कब्र में फरिश्ते आएंगे पूछेंगे वहां जन्नत की खिड़की या जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी कयामत तक पड़े रहना है फिर या तो अल्लाह के रहमत का हिस्सा उसको मिले गया तो फिर अजाब को सकुम अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को भी बीवी और बच्चे सबको बचाओ ये फिक्र हमको करना जरूरी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह अल्लाह ताला हर राई से उसकी रईयत के बारे में पूछने वाला है हर चरवाहे से उसकी बकरियों के बारे में पूछा जाएगा हर जिम्मेदार से उसके सबॉर्डिनेट्स के बारे में उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन हमें से हर एक से पूछा जाने वाला है इनल्ला तमरा होफ़ा का अम्बैया हो उसने अपने मातहतों को सौंपी हुई ज़िम्मेदारी को उसकी रियायत की हिफाज़त की आ का अमवैया हूँ उसने हिफाजत की जो भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी उसकी या उसे जाय कर दिया हम सब को रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने दी है बीवी बच्चों की ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है तुम्हारे मातहत दिया जा रहा है इनको जैसे चरवाहे के पास बकरियां होती अगर भेड़िया उठा के ले जाए बकरी को मालिक उसको पकड़ता है मैंने नहीं खाया हाँ तूने नहीं खाया लेकिन भेड़िया उठा के ले गया ना तुझको तय क्यों किया था तेरा काम था बकरियों को बचाता बकरी रेवड़ से निकल के चली गई और तू बैठा रहा पेड़ के नीचे गुनगुनाते बैठा रहा वहां पे मोबाइल फोन चेक करता रहा तू और बकरी दूर चली गई और उस बकरी को भेड़िया उठा के ले गया तूने नहीं लिया लेकिन तूने लापरवाही क्यों बरता तुझको तय क्यों किया था निगरानी के लिए बचाने के लिए अल्लाह ताला हर सरपरस से जिम्मेदार से फैमिली के जिम्मेदार से कयामत के दिन पूछने वाला है कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने तुझे सौंपी थी तूने तो उसको उसको बचाया या उसको तूने बर्बाद किया उसकी हिफाजत की या उसको ज़ाय किया रजुल यहां तक कि हर आदमी से उसके घर वालों के बारे में पूछा जाने वाला है क्योंकि राय और राइय का जो रिलेशन है सिर्फ फैमिली के हद तक नहीं है मुसलमानों का बादशाह है पूरी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा एक बादशाह मुसलमानों का है हाकिम है खलीफा है अमीर है गवर्नर है किसी मदरसे का नाजिम है किसी मस्जिद का जिम्मेदार है किसी स्कूल का प्रिंसिपल है किसी कंपनी का मालिक है हर आदमी को जो जिम्मेदारी का मकाम मिला है उसकी ज़िम्मेदारी में उसकी मातहती में जो भी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं उससे उसके बारे में पूछा जाएगा हती कि एक आदमी दुकान कोई खोलता है दुकान और उस दुकान में किसी आदमी को बिठाता है कि ठीक है तुम यहां देखो और महीने में मुझको हिसाब देना तो उस आदमी से भी पूछा जाएगा क्योंकि उसके अंडर में वो चीज है जिसको भी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा इनमें मिसाल किसकी दी आपने एक कायदा बयान कर दिया कि जो भी बड़ा होगा उससे मातहतों के बारे में पूछा जाएगा और मिसाल किसकी दी हतायस अलरजन अहली ही यहाँ तक कि एक आदमी से उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा लिहाजा हमें देखना चाहिए कि हमने इस हदीस को इमाम और इमन हिब्बान ने रिवात किया है और सैल सगीर हदीस नंबर एक हज़ार सात सौ चौहत्तर पर शेखलबानी कहते हैं कि हदीस हसन दर्जे की है हमसे पूछा जाएगा लिहाजा ज़रूरी है कि हम जवाब देने की पोजिशन में हों वहाँ बोल सकते अल्लाह टाइम नहीं मिलता था मुझको मैं जॉब पे जाता था ना सुबह तो शाम में आता था फिर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा और ये टाइम ही निकल जाता था थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन टी और ये वो चैनल देख लिया न्यूज़ बहुत देखता था मैं वक्त ही नहीं मिलता था बोल सकते हैं वहाँ नहीं बोल सकते अल्लाह के आगे क्या बोल पाएगा अल्लाह तारा जब पूछे तो क्या जवाब देने की पोजीशन में होगा बहुत पढ़ाया दुनिया में डॉक्टर बनाया उसको इंजीनियर बनाया मुसलमान बनाया मुसलमान बनाया मेरा बंदा बनाया क्या बनाया उनको मैंने डॉक्टर बनाने के लिए कहा था इंजीनियर बनाने के लिए कहा था वाला तम इल्ला अन तोम मुसलिमोन या वा तमो तुन्ना अन ऐमान वालो अल्लाह से वैसा डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है और तुम्हें मौत आए तो इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो अल्लाह का मुतालबा तो ये था कि तुम मरने तक मुसलमान बना रहे और मरते वक्त भी मुसलमान रह अल्लाह से डर तू भूख से डरा तू फाइनेंशियल क्राइसिस से डरा तू पॉलिटिकल क्राइसिस से डरा तो बैंक्रप्सी से डरा तो रिश्तेदारों के मजाक से तानों से डरा तो समाज से डरा अल्लाह से नहीं डरा तू तो आखिरत से नहीं डरा तूने सारी कोशिशें फैमिली के लिए उसी हिसाब से की आखरत की कोशिश क्या की तूने आखरत के अजाब से बचाने के लिए क्या किया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बताने की वजह यह है कि बाकी सारी चीज़ें बाद में आएंगी जब तक कि हमारे पास मोटिव ना हो हम कुछ करेंगे नहीं हमारे पास उदाइया होना चाहिए भाई इम्पोर्टेंट है ये अहम है आप किसी को बताएं भाई गाड़ी ऐसे चलाते हैं ये आया चौक तो ऐसा करेंगे ये बटन दबाएंगे वो फला करेंगे ये मशीन ऐसी चलाते हैं बाद में कोई बहमत करने वाला थोड़ी ना हो इतना बता के अपना टाइम क्यों वेस्ट किया कैसा करते हैं क्या करना चाहिए वो बात का सवाल है करना चाहिए कि नहीं ये पहली बात है हमारे अंदर इस बात की फिक्र अगर ना हो कि बच्चों की दीनी तरबियत जरूरी है उनको दीनदार मुसलमान नेक साल मुतकी परहेजगार बनाना जरूरी है अगर ये हमारे अंदर फिक्र ना हो तो फिर बड़े बड़े नुस्खे भी आपको बता दीजिए कुछ काम के नहीं है एक कान से आदमी सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा यह फिक्र होना जरूरी और ये फिक्र कैसी होना चाहिए ये इंसान के वक्त हर वक्त उसके जहन में फिक्र होना चाहिए ये बहुत अहम चीज है इसको याद रखना जरूरी है खसूस इस दौर में जिसमें बिगाड़ के इसबाब बहुत बढ़ गए हैं जिसमें गुमराही के इसबाब बहुत बढ़ गए हैं तो ये चीज याद रखने की है कि इस दौर में औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बिगाड़ के इसबाब टेलीविजन इंटरनेट मोबाइल फ़ोन बाहर का बिगड़ा हुआ माहौल एजुकेशन सिस्टम का एकदम गिरावट का शिकार होना समाज में बिगाड़ और आसान हो जाना ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये और ज़्यादा सीरियसली इसको डील करना पड़ेगा इस मामले को लड़कियाँ मुर्तद होना उनका लड़कों के साथ भाग के जाना प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़कों का ड्रग एडिक्ट होना या इसी तरह से अयाशी में चले जाना माँ बाप के साथ बदसलूकी करना और इस तरह की जितने मज़ाहिर हमारे सामने हैं जो हम आए दिन देख रहे हैं और बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है इस दौर में अगर हम बाद में जा कर रोना रोएं, बच्चे सुन रहे नहीं आजकल बिगड़े बिगड़ रहे लड़के समझ में नहीं आता क्या होगा इन लोगों का आप ये सारी दास्तान बयान करके और शिकायतें करके और इससे कुछ होने वाला नहीं आपको क्या करना है इसकी फिक्र आपको करना है तो हमारी जो आज की गुफ्तु है उसमें हम इन्हीं कुछ चीज़ों पर बात करेंगे ताकि हम लोग इस बारे में कुछ हल हमारे सामने आए पिछले कोर्स में मैं समझता हूँ 24 जुलाई को हुआ था आप लोग शायद उसमें सभी लोग थे या कुछ और लोग होंगे अगर शरीक थे तो उसमें हमने देखा था कि क्या बिगाड़ है बच्चों में बिगाड़ के मज़ाहिर क्या गाली देना माँ बाप की नहीं सुनना और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं चोरी करना धोखा देना झूठ बोलना और बदखलाक़ी करना सिगरेट तम्बाकू इस तरह की चीज़ों में पढ़ना प्यार मोहब्बत इश्कबाजी और सियासी बिगाड़ में मुबला होना और आदमी चीज़ें दिखाई देती हैं उसके इसबाब भी हमने देखे माँ बाप के बिगाड़ की वजह से गलतियों की वजह से भी ये नतज पैदा होते हैं तो पिछले दर्स में हमने उन चीज़ों को देखा था आज हम देखेंगे कि क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दीन एतबार से भी और जो बच्चों की तरबियत में जो जदीद तहक़ीक़ा सामने आई हैं जिससे उनकी साइकोलॉजी पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है उसके एतबार से भी कुछ बातें हैं जो पूरी तफसील में तो हम नहीं जाएंगे लेकिन वो कुछ बातें उन लोगों ने पेश की हैं उसको भी हम सामने मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि बच्चों की तरबियत में हमको किन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए ताकि वो ना बिगड़े भाई नहीं बिगड़े बिगड़ना बात की चीज है आप सुधार पहले से करो आपके खेत में कांटे क्यों उग रहे हैं क्योंकि आप खेती कर ही नहीं रहे उसमें सही चीज आप बोते हल चलाते तो अपने आप वो चीज वो की जमीन सही रहती आपने छोड़े रखा उसको धीरे धीरे उसमें कांटे उगना शुरू हो गए सांप बिछूस में आ गए तो छोड़े रखने से भी बिगाड़ पैदा होता है तो हमको करना क्या चाहिए ये हमको याद रखना है आइए देखते हैं सिलसिले में क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए बचपन ही से अब दो हिस्सों में हम बात को तकसीम करेंगे एक छोटे बच्चे एक बड़े बच्चे बाद कहते हैं भाई छोटे बच्चे हमारे बच्चे छोटे है ही नहीं हमारे पास हमारे बच्चे हमारे से हाइट में बड़े अब उनका क्या करना उनके ताल्लुक से हम क्या करें यह भी हमको देखना है तो हम छोटे बच्चों से शुरू करेंगे कि उनकी तरबियत में हम क्या करें और कई चीज़ों में तो बड़े बच्चे भी इसमें शामिल हो जाएंगे यानी ये नहीं कि आज मौका ही ख़त्म हो गया बड़े बच्चों के लिए बल्कि आज भी मौका बाकी है जहाँ से आदमी शुरू करे वहीं से उसके लिए सवेरा है जब से होश आए उसको वो कोशिश शुरू कर सकता है सबसे पहली चीज़ बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो है शहादतें, बुनियादी बात इस्लामी अकायद उनको सिखाना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कुल इंसानिन तले दम हो आलफरा हर बच्चे को उसकी माँ फितरत पर जन्म देती है हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है फितरत से मुराद क्या है फितरत से मुराद बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होता है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि अगर उसे हक बात बताई जाए तो मान लेगा वो कोरे कागज़ की तरह होता है उस पर जो चाहे लिख दो तो हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है यानी हक के कबूल करने की सलाहियत उसमें होती है ये मतलब नहीं है कि बच्चा पैदा होता है तो पूरा इस्लाम की डिटेल्स उसको मालूम होती है नहीं उसको इस्लामी अकीदा नमाज का तरीक़ा और अखलाक नहीं मालूम होते लेकिन उसमें एक कैपेबिलिटी होती है उसमें एक्सेप्टेंस होता है कि माँ बाप उसको अगर बताएं इस्लाम तो उसके अंदर मुखालफत उसकी नहीं होती अच्छा ऐसा है मान लेता हो इसीलिए माँ बाप गलत बात भी बताते हैं वो भी मान लेता है भूत प्रेत के बारे में बताते वो भी मान लेता है परियों के बारे में बताएं वो भी मान लेता है तिलती कहानियाँ उसको बताएं मैजिकल ये चीज़ें बताएं उसको सब मानता हो क्यों मानने का मिजाज उसमें होता है अलफरा से मुराद यह है कि इस्लाम की असल क्या है जो हक़ सामने आए मान लेना मानने का मिजाज उसमें होता है कुल्लु मौलूदिन या कुल्लु تلده तले على अफल हर इंसान को उसकी माँ फ़ितरत पर जन्म देती है इससे एक बात ये मालूम हुई कि चाहे ग़ैर मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हो इस्लाम ये मानता है इस्लामी तालीम यह है कि पैदाइशी तौर पर इंसान बुरा नहीं होता है इसलिए किसी को नहीं बोल सकते पैदायशी खराब ही है बोल सकते नहीं। पैदाइशी खराब नहीं होता है इस्लाम यह मानता है इस्लामी तालीम यह है कि हर बच्चा ठीक ठाक पैदा होता है वो ईवल नहीं होता है वो बुरा नहीं होता है वो फितरत पर होता है उसको बनाओ तो बनेगा उसको बनाओ तो बनेगा वो रॉ मटीरियल की तरह होता है अब उससे मिट्टी है उससे आप जो चाय बनाओ जैसा ढालोगे वैसा बनेगा बिगाड़ोगे तो बिगड़ेगा सुधारोगे तो सुधरेगा अच्छी चीज सिखाओगे तो अच्छा बनेगा बुरी सिखाओगे तो बुरा बनेगा वो फितरत पर होता है मानने की मानने का मिजाज उसमें होता है कुल इंसान इन तलिद उम्र इमाम तबरानी ने उसमें और इजाफा किया है हत्ता युरिब यहाँ तक कि उसकी जुबान बोलने लगे अरबा अपने माफ ज़मीर को बयान करना जो उसके दिल में है वो बताता है पैदा होती ही बात करता है मैं कहा हूं नहीं एक वक्त आता है उसके बाद वो बात करना शुरू करता है ये भी कितनी अजीब चीज़ है आप देखिए हमको कोई जुबान सीखनी हो तो हमको एक पहली डिक्शनरी चाहिए कितनी अजीब है अल्लाह की कुदरत देखिए कैसी है हम अगर कोई ज़ुबान सीखना चाहते कोई आदमी अरबी सीखना चाह रहा और उसको उर्दू आती है तो उर्दू में ट्रांसलेशन लगता है उसको खाना उसको क्या बोलते हैं पीना क्या बोलते हैं इंग्लिश उसको आती है, तो इंग्लिश में वो उसके उसके लिए मुतरादिफात उसके होते हैं डिक्शनरी में देखता है बच्चे के पास क्या होता बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता है तो बगैर किसी प्रायर डिक्शनरी के कोई उसके अंदर इस तरह का पहले डेटा फीड की हुआ नहीं होता है लेकिन वो नई जुबान सीखता है वो नई बातें सीखता है और डॉक्टर्स ये एक, एक्सपर्ट्स ये एक कहते हैं कि इंसान के जो ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट डिव, का होता है वो जो हिस्सा है शुरू के छ साल में बहुत फास्ट ग्रो होता है यानी उसमें डेवलपमेंट आता है बाद में उसकी जरूरत कम हो जाती है इसलिए वो कमज़ोर होता चला जाता है और बाकी जो ब्रेन का हिस्सा होता है वो पावरफुल होता चला जाता है इसलिए बाद की उम्र में ज़ुबान सीखना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बचपन में बहुत ईजिली सीख जाते बच्चे लैंग्वेज डिवेलपमेंट बहुत फास्ट होता है इसलिए बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैद करके रखा गया यानी इस तरह के हालात कुछ पैदा हुए कि बचपन ही से उनको समाज से काट के रखा गया फेरल चाइल्ड बोलते हैं उसको फेरल चिल्ड्रन बोलते हैं उनकी ज़ुबान बाद में डेवलप ही नहीं होती है बाद में उनकी ज़ुबान डेवलप ही नहीं होती है बात ही नहीं कर पाते वो लोग क्योंकि वो हिस्सा वो दौर चला गया उनका मालूम है कि ज़िंदगी का पहला जो हिस्सा होता है उसमें कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो बाद में नहीं हो पाता है इसलिए बाज़ लोगों ने कहा मगर भी बाज़ लोगों ने कहा कि मुझे छः साल पहले बच्चे के दे दो बाकी ज़िंदगी भर तुम रखो उसको यानी इन छः सालों में बच्चे को जो सिखाया जाएगा वो जिंदगी भर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन के रहेगा उसके जहन में जो पहले हिस्से में बातें डाल दी जाएं, जिंदगी भर उससे पीछा छुड़ा नहीं सकता है तो कहते हैं फरमाते हत्यू अरिबान लिसान यहाँ तक कि वो बोलने लगे वह आबवा हो बद यू हविदान ही वह फिर बाद में जब बोलने लगता है तो उसके माँ बाप उसे या तो यहूदी बना देते हैं या तो नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं जू क्रिश्चन या मजूसी मुशरिक आग का पूजने वाला तो या तो वह यहूदी बनता है तो नसरानी बनता है या फिर मजूसी बनता है आग मुशरिक बनता है तो मालूम ही हुआ कि बच्चा और आगे क्या है फ़ इन का ना मुस्लिमी फ़ मुस्लिम अगर माँ बाप मुसलमान हों नाम के नहीं काम के वाकई वो मुसलमान हो जैसे मुसलमान होता है फ़ इनका ना मुस्लिमी फ मुस्लिम तो बच्चा भी मुसलमान होता है इससे एक बात ये मालूम हुई कि माँ बाप के इस्लाम का बच्चे के इस्लाम पर असर पड़ता है जैसा इस्लाम माँ बाप का होगा वैसा इस्लाम बच्चे का होगा इसे भी मालूम होता है कि माँ बाप को बच्चे को बेहतर बनाने के लिए पहले किसको बेहतर बनाना पड़ेगा अपने आप को जैसे बोलते ना लाइक फादर लाइक फादर लाइक सन जैसे बाप होंगे वैसे बच्चे होंगे और वाकई ऐसा है स्टडीज ये बताती हैं कि हमने अपने बच्चे को जैसे ट्रीट किया वो बच्चे के जहन में रिकॉर्ड हो जाता है वो अपनी औलाद को भी वैसे ही ट्रीट करेगा सब कॉन्शियस माइंड उसका वैसे ही कराएगा उससे बहुत सारी चीज़ें जैसे हम जूते की लेस ठीक से नहीं बांधा डांट देते दे थे दे एकदम कितनी बार सिखाऊं? वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही करेगा हो सकता है जूते के बारे में ना हो किसी और चीज़ के बारे में हो लेकिन वो उसके जहन में इम्प्रिंट हो जाता है और वो वैसा ही करता है तो मालूम ही हुआ कि बच्चे की जहनीत पर उसके मिजाज पर उसकी दीनदारी पर माँ बाप का बहुत असर होता है यहाँ याद रखें गौर करें कि पैदा तो माँ के पेट से होता है लेकिन हदीस क्या बता रही वह अबाह हो युहादानी ही वहीसरानी ही वही मजस्सानी ही एक एक हदीस को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे फिर उसके माँ बाप खाली माँ नहीं खाली बाप नहीं अक्सर फैमिली में क्या होता है ब्लेम गेम तुम्हारा काम है बच्चे को यह करना बोलती आपका काम है बच्चे को यह करना मैं काम करूं कि इसको संभालू दोनों एक दूसरे पर ब्लेम और जिम्मेदारी डालते हैं और अपने आप की सफाई देते हैं मेरा काम नहीं मेरा काम नहीं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं ऑफिस का काम देखूंगे इसको पढ़ाऊं इसको सिखाऊं बोलती मैं घर का काम संभालू आपको वक्त पे खाना नहीं मिलेगा क्या होगा दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं दोनों जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं अल्लाह के नजदीक कौन जिम्मेदार है दोनों वह अबवादू यही वही नसरा नहीं वही मजस्ा नहीं बाद में माँ बाप होते हैं दोनों के दोनों मिल के बच्चे को या तो यहूदी या तो नसरा या मजूसी बनाते हैं यानी उसके बेदीन होने में दोनों का दखल होता है और दीनदार बनने में भी दोनों का असर होता है अगर वो दीनदार हो वाकई मुसलमान हो इस्लाम पर चलने वाले हों आधार कार्ड में मुस्लिम नहीं खाली नाम के मुसलमान नहीं वाकई मुसलमान फ इनका ना मुस्लिम मुस्लिम अगर वो मुस्लिम हो तो बच्चा भी क्या होता है मुस्लिम होता है इसे एक मसला ये भी मालूम होता है कि ज़िम्न गई बात इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे बाज लोग ये कहते हैं रिवर्ट कन्वर्ट का जो झगड़ा है क्या है ये एक इंसान फितरत पर पैदा होता है लेकिन उसके बाद जैसे बाज लोग कहते हैं भाई किसी को काफिर नहीं बोलना उसी को काफिर बोलना जिसको इस्लाम का पैगाम पहुँचा नहीं तो काफिर नहीं बोलना ये आजकल के जो मॉडर्न जो लोग हैं ये इस तरह की गलत फहमी फैलाते हैं हदीस ये बता रही है पैदायशी तौर पर तो वो फितरत पर होता है लेकिन फिर उसके माँ बाप उसको क्या बना देते हैं यहूदी नसरानी या मजूसी यानी वो जो बच्चा होता है वो तरबियत पाकर उन्हीं के हुक्म में चला जाता है लिहाजा एक इंसान अगर मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तो मुसलमान माना जाएगा क्यों इसलिए कि वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है लेकिन जो मुसलमान घर में पैदा नहीं हुआ और उसी तरबियत पाकर वो बाहर निकला जबकि इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा तो क्या वो मुसलमान है हदीस क्या बता रही है बच्चे को मां बाप क्या बनाते हैं यहूदी नसरानी, मजूसी तो वो बच्चा बड़ा हो कि उसको क्या कहेंगे मुस्लिम नहीं चाहे इस्लाम का पैगाम उसको ना पहुंचा हो उसकी फितरत अब मस्क हो चुकी है वो इस्लाम पर नहीं है जब तक कि वो कलिमा नहीं पढ़ता है वो मुसलमान की फहरिस्त में नहीं आएगा समझ में आ रही बात जब तक कि एक इंसान कलि शहादत शा, का इकरार नहीं करता है वह मुसलमान नहीं है इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि वह हर इंसान मुसलमान होता है जब उसको पैगाम पहुँचा और इनकार किया तो काफिर होगा नहीं वो मुसलमान तभी होगा या तो वो इस्लाम कबूल करें या तो इस्लामी फैमिली से वो आए दोनों सूरतों में मुसलमान माना जाएगा यह नहीं कह सकते कि भाई उसको इस्लाम मालूम ही नहीं तो उसको काफिर कैसा बोलेंगे वो काफिर या तो मोमिन होगा या तो काफिर होगा या तो मुस्लिम होगा या तो काफिर होगा मुस्लिम वो नहीं है क्योंकि इस्लाम कबूल उसने नहीं किया और परवरिश उसकी गैर इस्लामी हुई है तो इस्लाम के दायरे में उसको आप नहीं दाखिल कर सकते भाई कोई आदमी ऐसे इलाके में पाया गया जहां इस्लाम की दावत गई नहीं और कोई आदमी मर गया वहां पे आप क्या करेंगे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे उसकी कि नहीं पढ़ाएंगे आप ये कह सकते हैं इसको इस्लाम का पैगाम पहुंचा ही नहीं तो ये मुसलमान है नहीं जब तक कि वो खुद इकरार न करे शहादतन का तब तक के उसको मुसलमान के हुक्म में नहीं रखा जाएगा उसको दफन किया जाएगा इसलिए कि जलाना इस्लाम में नहीं है छोड़ देना भी नहीं है लेकिन उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी क्यों क्योंकि वो मुसलमान नहीं है मुसलमान कब होगा जब इस्लाम का कलीमा पढ़ेगा ये ज़िमनी मसला था जिसको याद रखना जरूरी है तो पहली बात यह मालूम होती है कि बच्चे पर माँ बाप का असर होता है तो बच्चे को यहूदी नसरानी मजूसी कौन बनाते माँ बाप और मुस्लिम जो इन सब से नजात है माँ बाप बनाते हैं तो पहले कब से शुरू करना चाहिए आप गौर करें हदीस क्या बता रही है हत्युलरिबान लिसान यहां तक कि वो बोलने लगता है बोलने लगता है तो फिर माँ बाप उसको यहूदी नसरानी और मजूसी बना देते हैं मालूम कि जैसे बच्चा बोलने लगे उसके साथ में हमको कम्युनिकेट यानी वो कम्युनिकेशन की सलाह तो उसमें पैदा हो गई अब आपको उसको एजुकेट करना शुरू करना चाहिए और यहां से या तो मुस्लिम बनना शुरू होता है या तो फिर यहूदी नसरानी या मजूसी उसके इस्लाम की शुरुआत यहां से होना चाहिए आप पढ़ाएं उसको बोलो बेटा ला इल्लल्लाह इला जब बोलने लगे उसको आप अल्लाह के बारे में बताएं उसको रसूल के बारे में बताएं मोटा मोटा उसको बताएं बहुत ज्यादा डीप नहीं लेकिन मोटी मोटी बातें जो दीन की जो उसको समझ सकती हो आप वहां से उसको शुरू करना चाहिए तो पहली और जैसा जैसे वो बड़ा होता जाए उसको वैसी बड़ी बातें बताएं तो पहली चीज जो है ये यानी शहादतें, तोहहीद उसको बतानी चाहिए अल्लाह कितने बेटा एक बताएगा अल्लाह कहाँ है वो इशारा करेगा तो इस तरह के अल्फाज और फिर बोलने भी लगे वो तो फिर उससे हमारे नबी का नाम क्या मुहम्मद, हमारा दीन इस्लाम अल्लाह की किताब का नाम क्या है कुरान अल्लाह है ऊपर ये नहीं कर सकता बच्चा कर सकता है तो एक एक लफ्ज बोलना उसके लिए इजी है आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको जवाब सिखाइए वो बोलेगा वो बोलेगा और कोई मुश्किल काम नहीं सबसे पहले नबी कौन थे आदम अरे सलाम बोला नहीं बोला ठीक है लेकिन इस तरह से वो एक एक चीज सीखता चला जाए ऐसा हमारे पास कुछ मावद होना चाहिए एकदम शुरुआत में पढ़ाने के लिए जो एक लफ्ज में बच्चा बोल पाए तो पहली चीज जो है वो शहादतें नंबर दो जरा बड़ा होने के बाद में सात साल का छः साल का हो गया बल्कि बादशलफ तो शुरुआत ही से सिखाना शुरू कर देते जब बच्चा चलना फिरना थोड़ा बहुत उम्र हो गई उसकी तब से दो तीन साल से ही ये चीजें सिखाई जा सकती हैं तहारत और नमाज बच्चे को ये भी सिखाना जरूरी है यानी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आप उसको दीन सिखाएं क्या क्या सिखाना है सबसे पहले उसे शहादतन सिखाना है जब वो थोड़ा सा अरबी पढ़ पढ़ने की शिलात तो उस में हो बोलो अशहद अल्लाह व अशहद् महमदन आप दोहू वरासर क्योंकि तर्जुमा सुना दिए मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं ये बेसिक फंडामेंटल है जिससे आदमी इस्लाम में दाखिल होता है ये नहीं तो कुछ भी नहीं मुसलमान बनाने के लिए क्या सिखाना है ये अल्लाह की तोहद और रसूल मोहम्मद वसल्लम की रिसालत ये दो बातें उसको समझाना है। ये बहुत बातें उसको याद हो जाए तफसील उसकी बाद में आएगी थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा लेकिन बेसिकली ये उसको सिखाना है नंबर दो थोड़ा बड़ा हो जाए तहारत और नमाज तहारत और नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोर उबी अब सलाती इधा बल्सन बच्चे को नमाज सिखाओ उसको नमाज का हुक्म दो बाज सबी बच्चे को सिखाओ नमाज और यहाँ है मोर उबी बच्चे को नमाज का हुक्म दो जब उस सात साल का हो जाए दा वल आगाशरसनी फौदरीबू आलै और जब वो दस साल का हो जाए दस साल का हो जाए तो फिर क्या करो फौद रिबू आलि हा नमाज के छोड़ने पर उसे सजा दो मारो मारो का मतलब मार डालो नहीं मारो का मतलब ऐसा भी नहीं कि दवाखाने में पहुँचा दो सजा उसको दो क्यों उसे मालूम होना चाहिए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है मगरबी तहजीब में ये नहीं है नाइन वन वन बच्चे को हाथ लगाए ये मारें पीटें क्या करता है वो वो मोबाइल तो आता उसमें चले नाइन वन वन पुलिस आके ले जाती बाप को क्यों मारे उसको क्यों मारे बच्चे को तो ऐसा माहौल वहां पर है उसका नतीजा क्या है वो बच्चा उसको जब टेंशन आता ना गन खरीदता और सारे स्कूल के बच्चों को मार डालता आप बच्चे को आज़ाद इतना छोड़ दिए इतना उसको हाथ ही नहीं लगाना उसको हमारे यहाँ ऐसा नहीं है इस्लाम में ऐसा नहीं है इस्लाम में बाप अथॉरिटी है माँ बाप अथॉरिटी हैं और अगर वो मुनासिब समझें तो बच्चे को उस पर हाथ उठा सकते हैं कोई मसला उसमें नहीं है अगर वहाँ वो नहीं चलता तो नहीं चलता होगा हमारे यहाँ चलता है हमारी सोसाइटी में हमारे दीन में हमारे माशरे में है ये नहीं ऐसा नहीं है बस वक्त हम लोग भी इंप्रेस हो जाते हैं उसे हाँ बच्चों का हाथ नहीं लगाना लगाना लेकिन गलती पर ये नहीं कि आपने उसको चैनल बदल नहीं मुझको वही पसंद है कार्टून पसंद है धुलाई कर रहे हो उसकी गलत चीज़ पे नहीं लेकिन वाकई अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है कितना हुआ वो बड़ा दस साल का हुआ दस साल का हुआ और फिर भी नमाज नहीं पढ़ता यानी आपने हम गलती क्या करते हैं हम सिखाते तो नहीं पहले सजा से सिखाना शुरू करते हैं हम लोग हदीस में क्या है सात साल का हो गया उसको नमाज का हुक्म दो सात आठ नौ दस यानी तीन साल सात से लेके आठ नौ दस दस साल तक आप उसको नमाज़ सिखा रहे नमाज़ का हुक्म दे रहे बोल बेटा नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ा करो नमाज़ पढ़ना चाहिए आप उसको नमाज की तलकीन करते जा रहे हो तीन साल तक कभी अपने साथ ले गए मस्जिद साथ में लेके खड़े करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक कभी नमाज के लिए मस्जिद खुद ले गए घर में साथ में लेके माँ बच्ची को नमाज पढ़ रही है खुद बाप सुनन व नवाफिल घर में पढ़ रहा है तो साथ में बच्चे को ले रहा है बच्चा कभी सद्य में जा रहा कभी हाँ कुलाटी खा रहा कभी कुछ कर रहा लेकिन लेके प्यार से उसको साथ में माँ डांट डपट नहीं सात साल से लेके कर दस साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा देखने दो उसको नमाज सुनने दो उसको नमाज उसको सिखाओ बोलो नमाज पढ़ 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 जाहिर नमाज पढ़ने के साथ साथ नमाज की शर्त क्या है तहारत भी है पेशाब पाखाने से पाकी उसको सिखाओ और इसी तरह हमें से कितने हैं जिसने बच्चे को नाड़ा बांधना सिखाया हो सोचने की चीज़ है अगर पजामा पहनता है तो पैंट पहनता तो मुश्किल इतना नहीं है हमें से कितने लोग हैं हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को देखा पेशाब करो अरे ऐसा धोते हैं पेशाब की सफाई ऐसे करते हैं कितने लोग हैं में से कहाँ हैं नहीं देते ध्यान वो धोता है कि नहीं वो भी मालूम नहीं बाप को वो पेशाब धोता है कि नहीं कितनी कितने लोगों ने देखा हमें सोचिए तहारत उसको वजू सिखा हम में से कितने बता देख ऐसा वजू करते हैं यूं करते यूं करते यूं हाथ धोते चेहरा ऐसा धोते पांव ऐसा धोते खिलाल ऐसा करते उंगलियों का सिखाए कितनों ने सिखाया हम में से सिखाना इसको करके दिखाना उसको बोलना समझाना बोलते रहे बोलते रहे ये नहीं कि मारपीट शुरू कर दें सात से लेके दस साल तक सिर्फ सिखाओ दस साल का होने के बाद भी अगर वो नहीं करता है फिर भी नहीं पड़ता है तब जाकर मारो उसको इसको और हम तफसील से देखेंगे अभी वक्फा कुछ रहेगा इंशाल्लाह उसके बाद मगरिब के बाद हमारा अगला सेशन शुरू होगा इंशाल्लाह